Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. पुनीत वन भारत में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सेक्टर 19 में स्थित एक वनस्पति उद्यान है। इसे 2005 में गुजरात सरकार के वन विभाग द्वारा विकसित किया गया था। वन विभाग ने कई एकड़ जमीन विकसित की है, जहां लगाए गए पेड़ों को सितारों, ग्रहों और राशियों से जोड़ा गया है। पुनीत का अर्थ है पवित्र और वन का अर्थ है गुजराती में वन। इस प्रकार उद्यान को पवित्र वन कहा गया है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें लगभग 3500 पेड़ लगाए गए थे। सभी हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्योतिषीय महत्व के हैं। प्रकृति पूजा एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जो भारत में अनादि काल से मौजूद है। पवित्र उपवनों को देवताओं के उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, जो उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति और संबंधित अलौकिक शक्ति से युक्त है। इन गा रा मा सम जीवन अभिवृद्धि कारक सांस्कृतिक तत्वों के संरक्षण और पुत्रोद्धार के लिए भी समर्पित है। संग्रहालय ने अपने परिसर में भारत के विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों से पवित्र उपवनों की पुनर्रचना का एक विशेष प्रयास किया है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह माना जाता है कि प्रकृति उन्हें आजीविका प्रदान करती है, इसलिए प्रकृति की पूजा की जाती है, जिसमें पवित्र उपवन ग्रामीण लोगों के जीवन और संस्कृति का एक हिस्सा है, इस विश्वास के साथ कि उनके देवताओं और पूर्वजों की आत्माएं इनमें रहती थी। इन वृक्षों को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। संग्रहालय ने देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते समुदाय की सहायता से अपने परिसर में 8 पुनीत वनों की स्थापना की है। पुनीत वन प्राकृतिक रूप से पनपे वनस्पतियों का एक ऐसा समूह होता है जिसे स्थानीय समाज के द्वारा अपने पूर्वजों एवं देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। इसमें बहुत सी प्रजातियों के मिश्रित वृक्ष भी हो सकते हैं या फिर एक ही प्रजाति के पेड़ों का झुंड भी हो सकता है। यह स्थानीय संस्कृति व वनस्पतिक इतिहास पर निर्भर करता है। यह पुनीत वन इतने महत्वपूर्ण होते हैं, यहां से पेड़ काटना तो दूर एक पत्ती तक नहीं तोड़ी जाती एवं इसके साथ साथ इसकी सीमा में वास करने वाले किसी जीव जंतु को भी क्षति नहीं पहुँचाई जाती। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पुनीत वन को वर्ष में एक बार स्थानीय लोगों द्वारा पूजा जाता है।